हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग बड़ों को, मेरा पहला गौर छोटे को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। मैं संगीता रोहित बोरा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो कल थी दिवाली, आप लोगों ने मेरा दिवाली का ब्लॉग देखा होगा, तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज सोमवार है और मेरा व्रत है, तो अभी 10 बज रहे हैं सुबह के। तो आज ना कुछ बहुत ही स्पेशल मेहमान आने वाले हैं हमारे घर। कौन आ रहे हैं वो आपको मेरे ब्लॉग में बने रहिए, पता चल जाएगा। तो हमने अभी खाने वाने बनाने की तैयारी कर रही थी, वो देखो आप कौन आने वाला है, मिलाऊंगी मैं आपको उनसे। तो चलो अभी मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। गाइज फाइनली हमारे मेहमान आ चुके हैं, पहला तेरा बच्चा, बच्चा। तो गाइज ये है मेरा दादा, अभी बड़ी मम्मी भी आ रही है पीछे से। हम माल्टा खिला रहे हैं और तभी कुछ हुआ नहीं है। हाँ गाइस, तो गाइस ये है मेरा भैया, मिलो इनसे, क्या कहना चाहोगे? हेलो गाइस, कहना कुछ नहीं है, बस इसके चैनल को खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इधर उधर फैलाओ सब जगह। ब्लॉग बनाती है, थोड़ा हिचकिचा रही है, नहीं नहीं सीख जाएगी धीरे धीरे करके। कैसा तो बाकी आज इसकी शादी की एल्बम देख रहे थे, ठीक ही लग रहा है। और खुद ही को देख, दो साल हो गए, कितना चेंजेस आया वो देख रहे हैं। बाकी ठीक ही है और हैप्पी दिवाली सभी को, बाय बाय। अभी ना मेरी माई के साइड वाली एल्बम खुली है, ये वाली वहाँ वाली है ना? हाँ ये वहाँ की है, बाकी नीचे की तो ससुराल वाली है। तो गाइस बड़े मम्मी लोगों ने खाना वाना खा लिया है, अब ये देख रही है एल्बम कौन सा है। एल्बम बड़ी बन रही है, बड़ी आ रहे है, सब बड़ी कुआरो कुआरो पे तू बता कुआरो आज गयो ले लूंगी, बड़ी आ रहे तू आ रहे को ठीक है, आ रही मेरे ठीक है, आ रहे हो एल्बम देख रहे अभी। गाइस जाने लगे दा लोग, मैं ना आपको गाड़ी भी दिखाऊंगी आज अच्छे से, ठीक है? उस दिन मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को, आज अच्छे से दिखाऊंगी। तो गाइस ये रही दा की गाड़ी, बहुत ही प्यारी है, कभी मौका मिलेगा तो चलाऊंगी पक्का। तो भगवान करे ना आपके लिए ये गाड़ी बहुत अच्छी हो और ज़िंदगी में इतनी तरक्की करो कि ऐसी गाड़ियों की लाइन लगा दो। तो गाइस बड़े मम्मी लोग चले गए हैं, अब मैं बर्तन वर्तन धो लेती हूँ, फिर देखो फिर क्या काम होता है, कहाँ जाते हैं। मेरा तो व्रत था, मैंने तो कुछ खाया नहीं, तो चलो मैं बर्तन धोती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस अभी बज के शाम के 4 और मैं घास काट के आ गई हूँ, अब मुझे काटनी है सब्जी और फिर हलवा भी बनाना है, तो उसके लिए भी काटना है। और आज मैं ना हरी सब्जी बना रही हूँ क्योंकि उसमें तो प्याज नहीं डालेंगे ना, बाकी सब्जी में तो प्याज डालना ही पड़ता है, तो फिर आज मेरा व्रत है तो प्याज नहीं खाएंगे हम। और अभी ना दीदी लोग भी आ रहे हैं, यानी कि मेरी ननद सास लोग, तो फिर मैं मिलाऊंगी बच्चों से आपको। आगे हमारे भानी भावेश, भावेश मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, जीते रहना इधर, कौन प्रणाम बोलता है, जीते रहना। तो आगे गए हमारे बच्चे, दीदी आ रही है, सोनी दीदी कहाँ है? तो गाइज अभी मैं ना सबके लिए चाय बना रही हूँ और ये है मेरी भांजी, ये ना मेरे साथ ही रहती है, तो ना हम चाय बना रहे हैं सबके लिए। और फिर गाजर का हलवा भी बनाना है मुझे, फिर ना बहुत आफत आता है पर बनाना तो पड़ेगा ना, तो फिर उसके बाद ना आग वाग भी जलाएंगे, फिर मिलते रहेंगे आप लोग से, तब तक के लिए बाय बाय।
तो गाइस कल से ना मैं आज बना रही हूँ, अभी दूसरे दिन बना रही हूँ व्लॉग। अभी बज रहे हैं 11 और ना आज गाय की पूजा करेंगे हम। आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे हमारे तीनों सुंदरियों को। तो ना इनके लिए माला तो मैंने दिवाली के दिन ही बना दी थी। तो अभी क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। और मैं ही कर रही हूँ, आज पहली बार कर रही हूँ मैं। तो चलो गाइस, इसमें है चावल का आटा। अभी ना इसके निशान लगाएंगे, छाप लगाएंगे गोल गोल करके। ये हो गई इनके लिए माला और ये टीका वीका, तो इनको लगाते हैं। मैंने ना पूजा कर ली है, पर ये लोग ना एक दूसरे की माला खा दे रहे हैं। देखो उसने तो तोड़ भी दी। तो गाइस रात में ना हम लोग त्यौहार बना रहे हैं सब मिलके। तो मेरे को तो पकाना आता है, मैं बेल नहीं सकती और भरा भी नहीं जाता है, क्योंकि ना उसमें मांस वास की पूरी है ना, ये तो निकल जाता है तभी। इतना हल्ला कौन करता है? ये देखो हमारे घर के बच्चे। धीरे बोलो फिर, ऐसे थोड़ी ना सोनी है। गाइस मैं ना खाना खा के आ चुकी हूँ, अब बस मम्मी खा रही है, बाकी तो सबने खा लिया है। और ना बच्चे बैठे हैं, इनसे मिलाती हूँ, ठीक है? आप लोगों को पहले मिलो हमारी। हाय, मेरा नाम मन्नू है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पहली बार अपनी मामी के ब्लॉग में आई हूँ। मेरी मामी बहुत अच्छी ब्लॉगर है, उनके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैंने सिखाया नहीं है, वो खुद से बोल रही है। अब मेरे मेरी सबसे बड़ी भांजी से मेरी yes. ना ये मेरी सबसे बड़ी नाने सास की लड़की है, जो कि मेरे से बहुत लंबी है। तो चलो मिलो इनसे, अंशिका से। गाइस मेरा नाम अंशिका है और अभी हम लोग व्लॉग में हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमको बहुत गंदा लगेगा, कर देना। मामी तो बहुत मेहनत करती है हमारी मामी। थैंक यू अंशिका। तो अब कौन आएगा? अब सोनिका। सोनिका अब आपकी बारी, इधर आओ। और ये है मेरी दूसरी नाना सास की लड़की सोनिका। हाय, मेरा नाम है सोनिका, मैं रहती हूँ पाटन में। मेरी मामी बहुत अच्छी ब्लॉगर, इनकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप नहीं करेंगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर आपको डिस्प्ले उड़ जाए। आप लोग ये मत सोचना कि मैंने इनको रटाया है, ये अपने मन से बोल रहे हैं बच्चे, क्योंकि बहुत तेज है वो। अब कौन बोलेगा? तो गाइस अब आ रहे हैं मेरी बड़ी नैनी सास, सबसे बड़ी नैनी सास के दो बच्चे, ये अंकिता और फिर है आयुष। अब आओ आयुष। हेलो गाइस, मेरा नाम आयुष है और मैं चंपावत में रहता हूँ। और मामी के ब्लॉग के बारे में बोलो कुछ। मामी अभी नई नई है, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करें इनको। गाइस मेरे भानी जी इतने शर्मीले है ना, मतलब बहुत शर्माते हैं। इनसे तो मैंने बोला आओ करके, तब आइए। बहुत ज्यादा सीधे छोटे वाले भानी जो है ना, इनको इनको तो क्या ही कहिए, तो बस इनको फोन चाहिए। हाय बोलो भानी। तो ये रहे अभी ना मेरी सिर्फ दो सास के बच्चे हैं, बाकी ना अभी हमारे मेरे पांच भानीज भांजी अभी नहीं आए हैं। बाकी जितने दिख रहे हैं अभी मेरी दो नाने सास के बच्चे हैं, दो के अभी नहीं आए हैं। तो जब भी साथ में होंगे ना मैं तब आपको दिखाऊंगी। पर यार एक बात तो है, जब भी घर में बच्चे होते हैं ना तब घर जैसा लगता है। अभी इतने सारे आए तो मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये लोग ना एक से बढ़कर एक है सबके सब। तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बच्चे लोग सब आए हैं। तो अभी ना हमारा खाना वाना भी हो गया है, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त कर दी हूँ। अब छोटा बड़ा जैसा भी रहा हो व्लॉग आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो मैं मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।